तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। सनी पाजी की फैन फॉलोइंग इस टाइम तक भी इतनी सॉलिड रहेगी किसी ने भी सोचा ना था, क्योंकि देखा जाए तो हर किसी एक्टर का अपना एक टाइम होता है, एक एरा होता है। लाइक सनी पाजी 90s के टाइम के हिट एक्टर थे। जब बॉर्डर आई थी, घातक जैसी मूवी आई थी, जिद्दी मूवी आई थी, ये फिल्म उस टाइम तक सनी पाजी के नाम से चलती थी। लेकिन दोस्तों सनी पाजी को चार चांद वहाँ लगा जब 2001 में गदर मूवी ने एंट्री मारी। करीबन 5.5 करोड़ लोगों ने तब देखा था इस फिल्म को, और ये लेगेसी इतनी शानदार चलती जाएगी मैंने ना सोचा था। दोस्तों गदर 2 को लेकर पब्लिक में इतना क्रेज, ये दोस्तों ओपनिंग डे पर 25 लाख की एडवांस बुकिंग से खाता खोला था अपने पहले दिन, और अभी अपने 10वें दिन तक 2 करोड़ की ऑडियंस जुटा ली है गदर 2 ने। नो डाउट दोस्तों गदर को जनता से भर भर के प्यार मिल रहा है। सनी पाजी बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया से 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाले बॉलीवुड के पहले एक्टर बन चुके हैं। तो सबसे पहले आज जानेंगे मूवी ने पहले 3 दिन में कितनी कमाई करी थी, मूवी की ग्रोथ कैसी चल रही है, लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है गदर 2, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप सच्चे वाले डाई हार्ड फैन हो सनी पाजी के तब। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गदर 2 को कभी खुला मैदान नहीं मिला, सेम गदर फिल्म को भी खुला मैदान नहीं मिला था जो इसका फर्स्ट सिक्वल था, फर्स्ट पार्ट था। ये दोनों ही एक सॉलिड अपोनेंट के साथ क्लैश करके ओपन करी गई थी। जब गदर एक प्रेम कथा आई थी, इस फिल्म ने भी फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, और उस टाइम भी एक सॉलिड अपोनेंट के साथ इस मूवी को क्लैश करना पड़ा था, और आमिर खान की लगान फिल्म के साथ ओपन करा गया था। लोग तब भी इस फिल्म को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन आफ्टर सक्सेस ऑफ गदर फर्स्ट वी ऑल नो द रिजल्ट। सेम क्लैशेस अभी भी देखने को मिले, लेकिन इस बार लोगों के दिल में ऑलरेडी पॉजिटिविटी थी गदर 2 को लेकर। इसलिए जितनी भी फिल्म साथ में रिलीज हुई, चाहे वो OMG 2 हो गई, चाहे रजनीकांत की जेलर हो गई, या मेगा स्टार चिरंजीवी की भोला शंकर हो गई, सबको खदेड़ कर रोज ये फिल्म एक मोटी कमाई अपने खाते में रखने में सफल हुई, और साथ में पठान जैसी इस साल की जायंट मूवी को भी खदेड़ रही है। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड रिकॉर्ड्स की बात करने से पहले आपको बता दूं तो गदर 2 गदर एक प्रेम कथा का सिक्वल है, जिसे 2001 में रिलीज करा गया था, और इसके लीड में आपको पहली बार सनी पाजी तारा सिंह के रोल में देखने को मिले थे एट दैट टाइम, और एक्शन के मामले में बाप बनकर उभरी थी ये मूवी एट दैट टाइम। तारा सिंह को वही प्यार फिर से मिल रहा है, और मूवी में सनी पाजी ने गजब का एक्शन भी करा है। जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है अपनी पुरानी यादें ताजा करके आ रहा है। जी दोस्तों, गदर 2 ने बॉलीवुड इतिहास में जो हिस्ट्री क्रिएट करी है, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करी आफ्टर पठान इन 2023, अमेजिंग। और कुछ ही दिनों में ये रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। पठान के हिंदी कलेक्शन लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को भी गदर 2 ईजिली ब्रेक कर देगी, क्योंकि ये अभी सिर्फ 13 दिन में ही इतना धमाल कर रही है, तो अभी आने वाले 25 दिन में तो और भी ज़्यादा धमाल कर सकती है। इस साल की दूसरी सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बनकर उभर रही है इस टाइम पर, और ऐसा चलता रहा, रोज मोटी कमाई अपने खाते में रखी, तो इस साल की नंबर 1 ग्रॉसर भी मूवी बनकर उभरेगी। दोस्तों ये मूवी सिर्फ मूवी नहीं रह गई है, एक इमोशन बनकर उभर रही है पूरे भारत में, जिसे जनता 2001 में छोड़कर आ गए थे, और वो सब अब दोबारा रिकॉल हो रहा है, दोबारा रिपीट हो रहा है। वाकई में दोस्तों गदर मूवी नहीं है, इमोशन है। इसी के साथ दोस्तों मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में लगभग 100 करोड़ के खर्चे पर बनाया गया है, और मूवी को 4000 स्क्रीन्स दी गई थी अपने पहले दिन ओपनिंग डे पे, जिसने पहले ही दिन 40 करोड़ का सॉलिड खाता खोला, और दूसरे दिन 43 करोड़, तीसरे दिन एक ऐतिहासिक कमाई करते हुए 51 करोड़ 70 लाख के आसपास अपनी कमाई करी थी, और टोटल पहले 3 दिन का कलेक्शन 135 करोड़ के आंकड़े को टच करता है पहले 3 दिन के नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तब। लेकिन वहीं चौथे दिन भी 40 करोड़, 5वें दिन में इंडिपेंडेंस डे का फुल हॉलीडे का फायदा उठाते हुए ऐतिहासिक कमाई एक बार फिर अपने खाते में रखी अपने 5वें दिन में, और बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म बनकर उभरी, 55 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रखा था 5वें दिन। इसी के साथ पहले 5वें दिन का टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 234 करोड़ के आंकड़े को टच करता है। पूरी दुनिया से ये फिल्म 300 करोड़ के आंकड़े को आराम से टच कर गई, और फास्टेस्ट 300 करोड़ कंप्लीट करने वाली गदर 2 बॉलीवुड हिस्ट्री की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है अभी तक। इसी के साथ 6ठे दिन में 32 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम किया, 7वें दिन में 23 करोड़ 80 लाख की कमाई करी। ऐसे में पहले 7 दिन यानी पहला हफ्ता टोटल कलेक्शन नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस से 284 करोड़ के आसपास हो चुका था, और क्रॉस कलेक्शन पहले हफ्ते का 342 करोड़, और वहीं पूरी दुनिया से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन फर्स्ट वीक का 370 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका था। तो पहला वीक गदर 2 का जबरदस्त रहा, शानदार रहा, दमदार रहा, लेकिन दूसरे हफ्ते की शुरुआत कोई इजीली नहीं करी, थोड़ा सा स्लो आया पहले 8वें और 9वें दिन में, लेकिन
दसवें दिन से फिर एक उछाल मारी। यस, आठवें दिन 18 करोड़, नवे दिन 31 करोड़ 20 लाख, दसवें दिन में उछाल मारकर बाउंस बैक कर 42 करोड़ का सफल आंकड़ा अपने नाम किया। और इसी के साथ पहले 10 दिन का कलेक्शन नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस से 378 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका था। इसी के साथ पूरी दुनिया से ये आंकड़ा 490 करोड़ के आंकड़े को पार करने में सफल रहा था। वहीं 11वें दिन में 15 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन होल्ड किया। इसी के साथ कल यानी डे 12 में एक बार फिर से मोटी कमाई करते हुए 12 करोड़ का होल्ड करा था मूवी ने। और पहले 12 दिन में नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ टच कर लिया था और पूरी दुनिया से 522 करोड़ के ऊपर आंकड़ा यह सेट कर चुकी थी मूवी। इसी के साथ दोस्तों गदर 2 बॉलीवुड हिस्ट्री की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है, जिसने बहुत ही कम समय में 100 करोड़ कंप्लीट किए, फिर 200 करोड़, फिर 300 करोड़, फिर 400 करोड़ और अब 500 करोड़। और यह आंकड़ा दूर नहीं कि 600 करोड़ भी करते हुए दिखेगी कंप्लीट अपने अगले 5 दिन में ही, आने वाले 5 दिन में ही, वो भी पूरी दुनिया के कलेक्शन के मामले में। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात करें आज यानी डे 13 के बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, तो आज क्या है रेट, आज ऑक्यूपेंसी रेट कैसा है? मॉर्निंग से जबरदस्त ऑक्यूपेंसी रेट है, 28-30% की ऑक्यूपेंसी रेट से खुला है मॉर्निंग से, और एंड ऑफ द डे तक इवनिंग तक ये ऑक्यूपेंसी रेट अराउंड 35-40% हो सकता है, और कई जगह तो आज भी शोज हाउसफुल होते नजर आ रहे हैं। जहां दोस्तों एडवांस से आज इस मूवी ने 3.5 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम करा। मूवी जबरदस्त ट्रेंड करती दिख रही है, जनता भर भर के प्यार दे रही है, और मूवी आज एंड ऑफ द डे तक लगभग 11-12 करोड़ के आंकड़े को टच कर सकती है। और अपने पहले 13 दिन के नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में ये मूवी 412 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करती नजर आएगी। सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर रहा हूं। इसी के साथ पूरी दुनिया से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आज ये 535 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम करते नजर आएगी, और बॉलीवुड सिनेमा की नंबर 1 फिल्म बनेगी। फिर कह रहा हूं, कम समय में ज्यादा प्रॉफिट करने वाली, कम समय में ज्यादा ग्रॉस इनकम करने वाली, और मूवी सनी पाजी के करियर की बिगेस्ट ग्रॉसर बनकर उभर रही है, जिसने 500 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम किया बहुत ही कम समय में। इसी के साथ और भी मूवीज अनाउंस होने लगी हैं सनी पाजी की, लाइक बॉर्डर 2, घातक 2, इनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक ढंग से आया नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले समय में ये हो सकता है। सनी पाजी का पूरा इस्तेमाल करने वाले हैं अब प्रोड्यूसर्स दोबारा से। दोस्तों इस साल की जाइंट पठान को अपने पहले 13 दिन के रिकॉर्ड से खदेड़ते नजर आ रही है मूवी। इसी के साथ बाहुबली के हिंदी कलेक्शन रिकॉर्ड को भी खदेड़ चुकी है ये मूवी, साथ में टाइगर जिंदा है मूवी को भी खदेड़ चुकी है। तो दोस्तों KGF चैप्टर 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन के 435 करोड़ को भी खदेड़ देगी ये मूवी कुछ ही दिनों में, मतलब 2-3 दिन के अंदर। तो दोस्तों नो डाउट मूवी अमेजिंगली ग्रो कर रही है, और जनता का प्यार सनी देओल के लिए अनकंडीशनल दिल से निकल रहा है। तो मैंने मत बोली, अब आपकी बारी, आप लोगों ने भी गदर 2 को देख लिया है, आपको मूवी कैसी लगी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना राय जरूर शेयर करके जाना। और गदर 2 क्या 600 करोड़ अगले 5 दिन में कंप्लीट कर जाएगी या नहीं, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।